हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तिरंगा राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों आज हम लोग आए हैं हावड़ा KTM में, क्योंकि नया BS6 मॉडल KTM Duke 200 का लॉन्च हो चुका है और शोरूम में भी ये आ चुका है। तो दोस्तों आज हम इस बाइक को चलाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है और क्या कुछ इसमें चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों देखते रहिए और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट आईडी मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ से बाइक को खरीद भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए हम रिव्यू में जाते हैं। So, दोस्तों यहाँ पे चेंजेस क्या है? दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चेंज इसके स्टाइलिंग में हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे ड्यूक 250 का स्टाइलिंग ड्यूक 200 में ही अवेलेबल कर दिया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टाइलिंग, हेडलैम्प, बॉडी वर्क, फ्रेम, सब फ्रेम, बैकलैम्प क्लस्टर, सारी चीजें अभी आपको ड्यूक 250 का ड्यूक 200 में ही मिल जाएगा। वैसे दोस्तों ड्यूक 200 बिल्कुल ही पहले जैसा ही बाइक है। एक और यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज है कि अभी इसमें डुअल चैनल ABS को ऐड कर दिया है और इंजन अभी BS6 नॉर्म्स का हो चुका है। दोस्तों बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक अराउंड 0.8 लीटर्स का कैपेसिटी कम हो गया है, यानी कि अभी आपको 10.2 लीटर्स का टैंक मिलेगा। हेडलैम्प की अगर बात करें दोस्तों, तो 250 जैसे यहाँ पे आपको DRL वाला हेडलैम्प मिल जाता है, हालांकि मेन जो हेडलैम्प है ये बेसिकली वही हैलोजन यूनिट है। बैकलैम्प की बात करें तो बैकलैम्प भी ड्यूक 250 जैसा LED यूनिट और ग्रैब रेल ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चेंज इंजन में हुआ है, लेकिन इंजन में कोई भी यहाँ पे पावर या टॉर्क फिगर में ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंजन वही है, सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट अभी ये इंजन हो चुका है BS4 की जगह। कोई भी यहाँ पे पावर और टॉर्क में चेंजेस नहीं है और ड्यूअल चैनल ABS आने से बाइक का जो कंट्रोलिंग है, जो ब्रेकिंग एबिलिटी है, वो पहले से और भी बेहतर हो चुका है। अभी आपको RLP नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे की व्हील में भी ABS देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे हेडलैम्प में चेंजेस किया गया है। हेडलैम्प की जो क्लस्टर है, जो लुक्स है, जो एंगुलर हेडलैम्प 250 में आता था वही इसमें अभी दिया गया है। और टैंक के शाउट्स को भी देख सकते हैं, ये भी चेंज हुआ है। वैसे दोस्तों अभी सीटिंग की बात करें और पूरे बाइक की अगर स्टाइलिंग की बात करें, तो सारी चीज़ें ड्यूक 250 जैसा ही आपको मिलेगा। और पीछे की तरफ जो आपको मैंने पहले ही दिखाया, आप देख सकेंगे बिल्कुल ही 250 जैसा स्टाइलिंग है। दोस्तों बहुत दिनों से, लगभग 8 सालों से ड्यूक 200 का वही स्टाइलिंग चल रहा था, तो काफ़ी ये पुराना हो चुका था, काफ़ी एजेड आउट एक लुक अभी आता था। तो इसी बात को सोच के शायद इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किया है। और इसके जो पावर है, पावर और टॉर्क में कोई भी ड्रॉप नहीं है। पावर आपको 25 PS और 10,000 RPM मिलेगा और टॉर्क पहले जैसा ही 19.2 न्यूटन मीटर्स मिलेगा। पाउडर कोटेड स्टील ट्रेलिस फ्रेम के साथ ये बना है और जो वेट है ये लगभग 3 से 4 kg पहले से बढ़ चुका है, यानी कि ड्राई वेट जो है ये अराउंड 3 से 4 kg या फिर 1 से 2 kg का यहाँ पे बढ़ चुका है। हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों फिलहाल इसमें स्विचेबल तो नहीं मिलेगा, लेकिन डुअल चैनल ABS ज़रूर मिल जाता है। वैसे दोस्तों इंजन की अगर बात करें, क्योंकि मैं इस बाइक को चला चुका हूं और राइडिंग क्लिप्स में यहां पे इंक्लूड कर दूंगा, इंजन वही है और बहुत ही अच्छी तरह से जो फ्रेम है ये इंजन को प्रोटेक्ट कर देता है। वैसे ये लिक्विड कूल्ड है, फुल इंजेक्टेड है और एकदम पहले से ही ड्यूक अपने हर सेगमेंट में, हर एस्पेक्ट में अपने टाइम से काफ़ी एडवांस्ड है, इसीलिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा अपग्रेड का ज़रूरत नहीं था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकेंगे कि BS6 की एक छोटा सा स्टिकर यहाँ पे इंजन पे लगा हुआ है और एक बहुत ही एडवांस्ड बाइक होने के नाते इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड का ज़रूरत नहीं था। सिर्फ यहाँ पे BS6 बना दिया गया है, BS6 कंप्लायंट बना दिया गया, जिसके चलते और भी बहुत ही कम पोल्यूशन यहाँ पे जनरेट होगा और बाइक पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर, यहाँ पे आप तार देख पाएंगे, ये ऐड किया गया है। दोस्तों एक और चेंज जो मुझे लगता है हुआ है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अभी इसमें साइड स्टैंड के साथ इंजन कट ऑफ का कनेक्ट किया गया, यानी कि किसी भी हालत में गियर डाले हुए कंडीशन में अगर आप साइड स्टैंड डाउन है तो स्टार्ट ऑफ हो जाएगा, और जब साइड स्टैंड डाउन है तब आप किसी भी हालत में बाइक को चला नहीं पाएंगे, सिर्फ न्यूट्रल में ही बाइक स्टार्ट होगा। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सेफ्टी फीचर है। चलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक राइडिंग क्लिप दिखा देता हूँ, क्योंकि एक आउटडोर शूट हुआ है और इस तरह के बाइक्स के लिए राइडिंग क्लिप होना ज़रूरी है, टेस्ट राइड एक होना ज़रूरी है। आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो इसीलिए मैंने ड्यूक 200 को चलाया और आप लोगों के लिए मैं ये टेस्ट राइड किया।
दोस्तों बाइक चलाने में मुझे बेहद मज़ा आ रहा था क्योंकि ड्यूक का जो एक बहुत ही पेपी नेचर था उस पेपी नेचर यहाँ पे काफ़ी कम हुआ है। एक्सेलरेशन जो है ये पहले से और भी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट की तो एग्जॉस्ट नोट भी बहुत ही पहले से स्मूथ हो चुका है। दोस्तों मुझे ये बाइक चलाते वक्त और भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे जो स्मूथनेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और ड्यूक 200 का जो एक बहुत ही वाइल्ड नेचर था उस वाइल्ड नेचर अभी भी बरकरार है, लेकिन स्मूथनेस आने की वजह से और भी ज़्यादा आपको राइडिंग कंफर्ट और राइडिंग की जो एंजॉयमेंट है वो अभी बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे ट्रैक बहुत अच्छा नहीं था इसीलिए मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं चला पाया और बाइक का क्लच भी कुछ एडजस्टेड नहीं था। लेकिन अगर इसके हम ब्रेकिंग की बात करें दोस्तों तो ब्रेकिंग पहले जैसा ही बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग इसमें आता है। और डुअल चैनल ABS को भी मैंने टेस्ट किया है चलाते हुए, डुअल चैनल ABS भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे काम करता है। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ राउंड्स लगा रहा था, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड लगा रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे राइडिंग एक्सपीरियंस मिला है। तो दोस्तों जिन लोग स्मूथनेस के फ़ैन हैं और ड्यूक 250 या ड्यूक 200 या फिर ड्यूक 250 में ज़्यादा स्मूथनेस ना होने की ये लोग जो कंप्लेन कर रहे थे वो अभी शायद आपको करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मुझे ये जो राइडिंग क्लिप से ये शूट करने में मदद किया है मिस्टर अमित फ्रॉम द बाइकर्स डायरी, और आप उनका चैनल चेक कर सकते हैं बाइक रिव्यूज़ के लिए और बहुत सारे व्लॉगिंग कंटेंट के लिए क्योंकि वो बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं। उन्हें मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनका हेल्प के बगैर ये वीडियो शूट नहीं हो सकता था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक राइड करते हैं और राइडिंग डायनामिक्स और स्टाइलिंग की अगर बात करें और राइडिंग पोजीशन की अगर बात करें तो सारी चीज़ें पहले जैसा ही है। आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर और कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है सिटी में और हाईवेज़ में, तो सारी चीज़ें पहले जैसा ही है। लेकिन इंजन के डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा। दोस्तों यहाँ पे पीछे की RLP को हटा के अभी डुअल चैनल ABS दे दिया गया है और ये सुपर मोटो ABS नहीं है, यानी कि स्विचेबल ABS नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है मुझे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिला है KTM के बारे में क्योंकि, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इसे सुपर मोटो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डुअल चैनल ABS मिल गया है और ये पहले सिंगल चैनल आता था। बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे हम इंडिकेटर्स की तो पहले जैसे ही आपको इसमें LED टाइप इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे माइलेज में 1-2 किलोमीटर ज़्यादा आपको मिल सकता है क्योंकि अभी BS6 कंप्लायंट हो चुका है और इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें प्राइस की तो प्राइस पहले से लगभग 10,000 रुपीज़ बढ़ चुका है और पूरे KTM के बाइक्स के रेंज में ड्यूक 200 ही सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक के साथ आता है। फिलहाल के कोलकाता में इसके एक शोरूम प्राइस 1.73 लाख है। दोस्तों बात करें यहाँ पे जो स्विच गियर कंसोल है तो पहले जैसे ही बहुत ही हाई क्वालिटी बैकलिट स्विच गियर कंसोल यहाँ पे आता है स्ट्रेट हैंडल बार के साथ। और बात करें मीटर कंसोल की दोस्तों तो मीटर कंसोल पहले जैसे ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मीटर कंसोल यहाँ पे आता है। दोस्तों यहाँ पे सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको लो इंजिन ऑयल, फ्यूल रेंज, एक्चुअल माइलेज, इंस्टेंट माइलेज, टैंक रेंज, सर्विस रिमाइंडर, गियर पोजिशन इंडिकेटर और साथ में RPM मीटर, एवरेज स्पीड और इसी के साथ साथ ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन। और बात करें टेल लाइट्स की तो ABS इंडिकेशन, इंजन मैलफंक्शन लाइट, साइड स्टैंड लाइट, RPM लाइट और हाई बीम, न्यूट्रल और साइड इंडिकेटर्स का जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन हो सकता है एक बाइक में उससे भी कई ज़्यादा इसी के अंदर इक्विप्ड है। दोस्तों यहाँ पे 10.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया जो कि पहले से अराउंड 0.8 लीटर्स कम है और ड्यूक 250 के स्टाइलिंग यहाँ पे देने की वजह से बाइक अब पहले से और भी ज़्यादा एग्रेसिव मेरे ख्याल से बन चुका है। आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताना। स्प्लिट टाइप सीट के साथ आता है और राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट लगा है। दोस्तों क्योंकि ड्यूक बेसिकली हैंडलिंग और अपने हाई स्पीड्स के लिए जाना जाता है, रेसिंग के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हार्ड सीट्स मिलेंगे। पीछे की तरफ मिलेगा स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल और फुल्ली LED बैकलैम्प पहले जैसा ही मिलेगा लेकिन ये ड्यूक 250 से बोरोड है। पीछे की तरफ आपको KTM की टेल काउल है वहाँ पे KTM की बैजिंग देखने को मिलेगा और स्टील ट्रेलिस फ्रेम जो कि ज़्यादातर हायर कैपेसिटी बाइक्स में आता है वही इसमें दिया गया है। ऑरेंज कलर की यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश आता है और दोस्तों इसमें एक्स रिंग चेन, बिगर 42 टीथ स्प्रॉकेट, अंडरबेली एग्जॉस्ट और क्रॉस ब्रेकिंग का सुविधा पहले जैसा ही यहाँ पे दिया गया है। अंडरबेली एग्जॉस्ट होने की वजह से बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन और वेट रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे जो क्रॉस ब्रेकिंग मैं कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में, आगे और पीछे दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट अल्टरनेट साइड में यहाँ पे ब्रेक्स को माउंट किया गया है, तो बेटर एक बैलेंस्ड ब्रेकिंग आपको मिल जाएगा जहाँ तक KTM कहता है। दोस्तों बाकी सारे जो हम अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पहले जैसा ही है, माइलेज आपको अराउंड 30-35 किलोमीटर इन द सिटी मिलेगा और 35-40 या फिर 40 से एक दो किलोमीटर ज़्यादा भी हाईवेज में मिल सकते हैं। टॉप स्पीड यहाँ पे लगभग 140 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर के बीच में है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें टायर्स, ब्रेक्स और सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको वर्ल्ड फेमस ब्रांड, बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में सस्पेंशन बनाने के लिए, WP का अपसाइड डाउन 43mm के फोक्स फ्रंट की तरफ मिल जाएंगे। दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेगा इंडिया गवर्नमेंट के लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, और पीछे की तरफ आपको 10 टाइम्स एडजस्टेबल रेस ट्यून मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि अगेन WP ब्रांड की तरफ से है, और WP के सस्पेंशन इसके अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें टायर्स की, तो दोनों ही तरफ आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल MRF रेवजी टायर्स मिलता है। फ्रंट की तरफ 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डुअल चैनल ABS आता है, और फ्रंट की तरफ 300mm का 4-piston कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और ABS का सेंसर प्लेट्स भी आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अंडरबेली एक इंजन काउल आता है, जो कि पहले से ही आता था, और पीछे की तरफ अगर देखें दोस्तों, तो 230mm सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS के साथ, और पीछे की तरफ 150/60 साइज का वही 17 इंचेस के रेडियल MRF रेवजी टायर लगाया गया है, और पीछे टायर हगर आता है, और लुक्स बिल्कुल ही पहले जैसा ही है। जो यहाँ पे आप देख सकेंगे व्हील्स है, ये KTM की एक्चुअल थीम कलर ऑरेंज में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे सीट हाइट 810mm के है, तो ज़्यादातर ज़्यादा हाइट के जो राइडर्स हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस 170mm है, और अराउंड 140-243 kg का इसका जो कर्व वेट है वो है। दोस्तों यहाँ पे जो सस्पेंशंस के बात मैं कह रहा था, आप वो भी देख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड राइड सेफ़।